Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. आज जो है जैसे कि आप लोगों को मेरी एक्साइटमेंट से नज़र आ रहा होगा हमना की ऑफिशियल प्रॉपर वाली बर्थडे जो हमने प्लान की थी, तो हम लोगों ने जो एक बहुत अच्छा सा सेटअप कराया है वो आप लोगों को दिखाएंगे, कहाँ कराया है, क्या कराया है, साथ साथ दिखाएंगे और केटरिंग भी कराई है, खाने में क्या क्या है, मेन्यू में क्या क्या है वो भी दिखाएंगे, केक भी दिखाएंगे, हमारे गेस्ट भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और आप लोगों को साथ साथ लेके चलेंगे. बट फर्स्ट मुझे जो है थोड़े बाहर के काम है विच इंक्लूड्स गेटिंग अ केक टॉपर और मुझे जो है अपना और अली का गिफ्ट जो है वो रैप कराना है अच्छा सा और जो है मुझे ज़रा पार्लर जाके पेडिक्योर और आईब्रोज करवाने हैं और दर्जी से जो मैंने आज आउटफिट पहनना है जो कि अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने डिज़ाइन किया था वो जो है पिक करना है और आज रात के लिए पहनना है. सो हमना हैज़ नो क्लू. हमना को हमने बताया कि हम लोग मैस जा रहे हैं डिनर के लिए तो वो तैयार हो जाए उसकी बर्थडे के लिए एंड आई फील लाइक थोड़ा बहुत आइडिया होगा बट नॉट टू दिस एक्सटेंट. तो चले जी लेट्स गो ऑन विद आवर डे और आप लोग जरा साथ साथ चले. सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी पियाँ. यू नीड कॉफी मोर देन आई डू. गाइस ब्रूनो इतने मजे से अपने बिस्तर पे सोए यार, ये तो प्रॉपर कोई इंसान का बिस्तर लग रहा है वैसे. लेकिन मिशन अकॉम्प्लिश ब्रूनो हमारे रात में बिल्कुल भी डॉग बेड क्यों नहीं लिया बता दिया था मैंने. ब्रूनो जो है रात में हमारे बिस्तर पे बिल्कुल भी नहीं आया. ही स्लेप्ट वेरी कंफर्टेबली ऑन हिज बेड. सो यस ये भाई सर्वाइवल जूस इज़ रेडी. चलें जी गाइस नाउ दैट कॉफ़ी हो गई है मुझे जो है आज अपना मुंह का लेज़र करना था तो मैंने सोचा पार्लर जाने से पहले ज़रा लेज़र कर लूँ. और मैं जो दो तीन दिनों से ना अपना मुंह रात में डबल क्लेंज नहीं कर रही थी एंड आई बिन वेरी नेग्लिजेंट विद माई स्किन केयर. सो एज यू कैन सी एक ये दाना मुझे यहाँ एक यहाँ निकला है बड़ा अनोइंग सा. सो चलें जी लेट्स लेज़र फॉर ऑल दोज दैट आस्क मी. ये फिलिप्स का जो है लूमिया है, मुझे एग्जैक्ट मॉडल नंबर नहीं पता बट आई हैव हैड अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस विद इट एंड आई डू रेकमेंड इट. दर्जी से मेरा आउटफिट आ गया सिल के, अभी सिर्फ आप स्नीक पीक देख लें, फुल तैयार होके दिखाऊंगी फिर. ये जी गाइस डेकोरेशन वाले आ गए हैं, कुर्सियां देखें एंड ये जो है अभी तक सेटअप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है लेकिन वी आर गेटिंग देयर. गाइस आज अम्मा ने आलू गोभी बनाई थी एंड इफ़ यू नो मी यू नो दैट आलू गोभी तो मुझसे रिजिस्ट नहीं होती तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत जो है ट्रैक करके उसको खा लूँ. अब ट्रैक मैं ऐसे करूँगी कि आई विल ट्रैक दिस एज पोटेटोज, कॉलीफ्लावर, ऑयल और जितने भी ग्राम की चपाती होगी उसके साथ में बिकॉज आई नीड आलू गोभी. अच्छा सो गाइस मेरे जो है कपड़ों के साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया था. मिसहैप तो एज सच नहीं हुआ बट उसमें थोड़े से जो है इश्यूज निकल आए थे तो मैंने वापस टेलर को भिजवाया सही करने के लिए एंड आई पिक इट अप इन अ वाइल. अभी जो है 4 बज गए और मुझे भी नमाज भी पढ़नी है, मुझे जो है वो गिफ्ट्स वाली चीज़ें भी करानी है जो कि ज़्यादा प्रायोरिटी है. सो आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ कि मैं जो हूँ पार्लर वाला प्लान जो है वो ड्रॉप कर दूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे देर ना हो जाए ज़्यादा. तो ये करती हूँ मैं कि अभी जो है मैं बर्थडे की जिससे जो रिलेटेड काम है वो करने के लिए जाती हूँ और पार्लर का अगर टाइम बचा तो देखें बिकॉज आई नीड एटलीस्ट 1 आवर टू गेट रेडी एज वेल. मुझे नहाना है, तैयार होना है, बाल वाल बनाने, मेकअप करना है एंड देन मुझे ऊपर अरेंजमेंट्स भी देखनी है. सो आई थिंक आई ड्रॉप द सैलून प्लान. इट्स टाइम टू हेड आउट. ये हमना के प्रेजेंट्स हैं, ये ज़रा मैं पैक करवा के लाऊँ, केक टॉपर लूँ, फ्लावर्स लूँ, एक दो और मुझे काम करना है. उससे पहले मैं ज़रा ऊपर की तैयारी देखूँ कहाँ तक पहुँची है और प्रेजेंट्स आपको दिखाते हैं हमने क्या दिए. ये भाई मेरी और अली की तरफ से प्रेजेंट्स हैं हमना के लिए. आई एम श्योर इसमें से यू कैन गेस मेरी तरफ से कौन सा है सिंस आई एम द ऑफिशियल एप्पल वॉच सप्लायर. तो ये जो है कि कहते हैं मेरी तरफ से और ये जो है कि कहते हैं अली की तरफ से. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने एप्पल प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हैं.
द गाय दैट आई गेट देम फ्रॉम, मैं उनका नंबर नीचे लिंक में लगा दूंगी एंड यू गाइस कैन रीच आउट टू हिम इफ यू वांट समथिंग। सेटअप जो है माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से होता जा रहा है एंड ऑलरेडी लुक्स सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहला स्टॉप है हमारा पेपर मैन इन F10, यहाँ से हमारा जो है कि टॉपर भी मिल जाएगा, गिफ्ट्स भी रैप हो जाएंगे, कैंडल्स भी मिल जाएंगी। अच्छा जी, डिसीजंस, सो आई एम इन द डेकोरेशन सेक्शन और ये केक टॉपर्स के इनके पास 5-6 ऑप्शंस हैं जो कि मैं कॉन्टम्पलेट करी हुई कौन सा लेना है। इसके अगर कोई गोल्डन हो, आई लाइक दिस वन अलॉट। पीछे देखते हैं, हो सकता है मिल जाए। Found it in golden. Also guys, in shop में जो है इनके पास इतने क्यूट क्यूट ये जार्स हैं जिसके अंदर नोट्स हैं। आई डोंट नो इतने टाइनी से नोट पर कोई क्या लिख सकता है, बट ईदर वे बहुत क्यूट लग रहे हैं ये। सो इसमें जो है ये फ्रूट वाला वर्जन भी है इनके पास, और ये जो है क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के हैं। दे हैव वॉशी टेप्स एज वेल। I don't know if anyone remembers these, but मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। फिर ये log trays हैं, जूट है, ribbons हैं, and they have a pretty decent stationery collection as well. चले जी, gifts हमारे जो हैं wrap होना शुरू हो गए हैं। जो पेपर मैन था उनके पास तो रैपिंग सर्विस नहीं थी, तो पास में ही स्क्रिबल के नाम से एक बिल्कुल ही एक दुकान छोड़ के दुकान थी, तो हम वहाँ आए हैं। एंड स्क्रिबल हैज़ अ ब्यूटिफुल बैग कलेक्शन। तो ये देखिए, मैंने तो इस तरह के बैग्स देखे ही नहीं है कभी। ये है जी स्क्रिबल, एंड ये वाले बैग्स मैंने चूज़ किए हैं। स्क्रिबल आल्सो हैज़ अ वेरी नाइस आर्ट कलेक्शन। मुझे जो है बहुत इंट्रीक करते हैं आर्ट सप्लाई, सो मुझे बहुत शौक होता था बचपन में पेंटिंग का, लेकिन मुझे कभी आई नहीं। सो ये जिन लोगों को आर्ट का शौक है, चेक करें ज़रा। आई थिंक इट लुक्स लाइक अ नाइस गिफ्ट्स हमारे जी रैप हो गए हैं, और इसके ऊपर जो है अभी एक क्यूट सी गोल्डन रिबन लगने वाली है। और ये ठीक है कॉर्नर। कितनी है रैपिंग? दो रैपिंग है कॉर्नर, 150 से। मैं फ्लावर्स जो है बनवाने के लिए आ गई हूँ। आई एम गेटिंग अ फुल वाइट बुके बिकॉज दैट गोज विद द थीम, और जब तक ये बना रहे हैं तब तक जो है मैं कोल्ड ड्रिंक्स ले आती हूँ। अब मैं आ गई हूँ डी वॉटसन ड्रिंक्स लेने के लिए। भाई ड्रिंक्स ले ली है मैंने, आई प्रेफर गेटिंग कैंस बिकॉज फिर ग्लास नहीं धोने पड़ते। ये भाई हमारा बहुत ही प्यारा सा वाइट थीम बुके बन गया है। अब बस लास्ट स्टॉप है दर्जी से कपड़े लेना, लेट्स गो। जी जस्ट पिक्ड अप माय कमीज फ्रॉम द दर्जी, नाउ जस्ट रशिंग होम। मैं अभी छत पे आई हूँ एंड आई हैव जस्ट बीन सिटिंग एंड स्टेयरिंग एट द सेटअप। इट लुक्स सो 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 प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो है हमारा मेन सीटिंग एरिया है। अभी जो बीच में कैंडल्स पड़ी हुई हैं ये जल जाएंगी, अभी हमने जलाई नहीं है। देन वी हैव दिस बोर्ड 26, हमनाज 26th बर्थडे पार्टी। फिर उसके बाद ये हमारा जो है खाने की टेबल है, ये मैंने अभी सेटअप की है। सारी मेन्यू मैं आप लोगों को बताती हूँ। वी हैव बीफ लज़ानिया, वी हैव काबली पुलाव, लैम दम पुख्त, रोस्ट बीफ एंड चिमीचूरी सैंडविचेस, वी हैव चिकन पॉट पाए, वी हैव श्रिम्प केक्स विद डिल क्रीम, एंड वी हैव मशरूम टार्टलेट्स। यहाँ पे जो है केक आएगा, वो केक की कैंडल्स वगैरह लगी हुई, एंड दिस इज़ आवर गिफ्ट्स टेबल। तो ये जो है हमारी गिफ्ट्स की टेबल है। दिस इज़ द बुके दैट आई गॉट and this is all of it and it looks so pretty. So catering जो है मैंने गुड थिंग्स से कराई है। आप लोगों को अगर याद हो, एक इफ्तार की दावत मैंने की थी गुड थिंग्स ने, जिनकी जहाँ से मैंने गुड थिंग्स से बहुत सारा खाना मंगवाया था। मैं नीचे लिंक लगा दूँगी। सो ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ फ्रॉम गुड थिंग्स। सिर्फ जो काबली पुलाव और लैम दम पुख्त है ना, वो अम्मा की जो दोस्त हैं जिनके वो घर जाती रहती हैं हनी, हमने उनसे बनवाया है। क्योंकि उस दिन हम लोग उनके घर गए थे और उन्होंने हमारी दावत की थी, और आप लोगों को तो पता होगा पठान जो है वो दुम्बा बहुत मज़े का बनाते हैं। तो उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो है ना लैम की बनाई हुई थी, लैम टिक्का, लैम शिमारी, लैम दम पुख्त। मी एंड अली एंड एवरी वन वी फेल इन लव विद द फूड। वो इतना मज़े का था कि आप लोगों को पता है हम लोग तो शिनवारी ढूंढते रहते हैं लिटरली हर जगह, और हमें कहीं मिलता ही नहीं अच्छा शिनवारी लाइक टू दैट लेवल। एंड इतना परफेक्ट था कि हम लोगों ने उनको कन्विंस कर लिया कि आपने जो है अब ऑर्डर्स लेना शुरू करने हैं बस अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो वो मान गई हैं एंड पहला ऑर्डर की जो शुरुआत है वो हमने की है। मैं उनका भी नंबर नीचे लगा दूँगी। यू गाइज़ मस्ट प्लेस योर ऑर्डर्स एंड चेक आउट हर फूड, इट इज़ सो 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 गुड।
मेरा तो क्लोथ्स क्राइसिस सही नहीं हुआ तो मैंने दूसरा आउटफिट पहन लिया, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अम्मा को जो है ज़रा फर्स्ट लुक दिखाते हैं जगह की, एंड लेट्स गेट हर रिएक्शन। मैं अनिया से कह रहा था कि बहू हो तो ऐसी बैग रख दी है उसमें आप लोगों के, मैं तोहफे डाल दूंगी। ये खाने की टेबल है। हमारे स्टड मफिन को देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने मेरे साथ ट्विनिंग की है, ट्विनिंग वेरी प्रिटी वेरी प्रिटी। दाढ़ी तुमने थोड़ी ज्यादा छोटी कर दी है, दाढ़ी थोड़ी ज्यादा छोटी कर दी है, जा रहा है बहुत। इट्स लाइक द परफेक्ट कलर कॉम्बो। या गाइस से पूछते हैं, गाइस आप बताएं, गाइस आप बताएं। आई डोंट थिंक कोई गाइस मेरे व्लॉग देखते हैं, बट ओके गाइस मतलब आप गाइस। चलिए जी गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ एंड दिस इज माय फाइनल लुक। आई गाइस गाइस गाइस, इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ सिस्टम क्या किया इन्होंने सिस्टम ये किया कि इन्होंने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और एक इतनी बड़ी लाइट यार है उसमें मेकअप क्लिप की अपने फोन पे, मेकअप नजर आता है ना। आई वांटेड टू शो माय मेकअप, सो गाइस दिस इज माय आई मेकअप। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ही तैयार हूं जैसे हम करते थे पहले, गेट रेडी विद मी, बट गाइस मुझे भी बता दें, मुझे थोड़ा ना जरा टाइम का मुझे थोड़ा मिसफिट टाइप लग रहा है, मुझे अपना बहुत अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग प्लीज बताएं कमेंट्स में, लेकिन खैर जब तक वीडियो जाएगी तब तक तो कुछ कर नहीं सकते। इट्स ओके, यू लुक वेरी नाइस। ये है जी मेरा फुल लुक, शूज मेरे, आउटफिट जो है मेरा क्रॉस स्टिच का है। हेलो जी, सही लग रही हूँ, बहुत प्यारी, पक्की बात है, हसी नहीं कहाँ का पहना है, क्रॉस स्टिच ने तो कमाल कर दी है। आप भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। तू 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 जब तक सब तैयार हो रहे थे मैंने बोला मैं गिफ्ट्स के ऊपर जो है नेम टैग लगा दूँ, ये मैं लेके आई थी बहुत ही क्यूट से वहीं स्क्रिबल से, तो ये सब के ज़रा मैं लगाऊँ ये गिफ्ट्स। हमारे थोड़े बहुत मेहमान जो हैं वो आ गए हैं। मारव इधर आओ, हेलो बोलो, हेलो। भाई ये मेरी फेवरेट बच्ची है, मेरी डॉल। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। गाइस ये जो है हनी आ गए हैं तो वो बना के ले आए हैं खाना जो हमने ऑर्डर किया था। ये है उनका काबली पुलाव, ये है उनकी शिनवारी कढ़ाई, और ये माय फेवरेट द दम पोस्ट, एंड इट इज सो 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 गुड। कैसा लगा है? चल गया। तुमने बता भी दिया? क्यों? ने थोड़े सा हिंट दे दिए। भाई मुझे ये था कि सुबह से इतनी खटपट हो रही है छत पे, तो मैं वो कह रही मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। बर्थडे गर्ल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, माय गॉड, यकीन नहीं आ रहा मेरी बर्थडे है। अच्छा अब सच सच बताओ, पता था ना कि ऊपर ही नहीं पता था, मुझे था मिस जा रहे हैं। झूठ मुझे सबसे ज्यादा जो है इसने बोला था, इसलिए इसको तो पता है तो बता ही, इसको तो पता झूठ। भाई डैडी जो है ना सबसे ज्यादा एंटी बर्थडेज होते हैं, लेकिन फिर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्यूटी। चलें जी, ये अब आप लोगों को अपना फाइनल मेन्यू दिखाते हैं। मशरूम टार्टलेट्स हैं, ये श्रिम केक्स हैं विद डिल क्रीम, देन वी हैव द चिकन पॉट पाई,
और ये पीछे मैश पोटैटोज़ हैं, ये हमारे रोस्ट बीफ सैंडविचेस हैं विद चिमीचूरी, यहाँ जो है लैम दमपख्त और काबली पुलाव आना है, एंड दिस इज़ आवर लज़ानिया। ये अली जो है हमारे फोटोग्राफर्स को पका रहा है एंड मुफ्त में फोटोग्राफी क्लासेस ले रहा है। दिस इज नॉट फेयर अली, इसको फिर भी नहीं आनी अच्छी तस्वीरें लेना। वो देखो कौन बोल रहा है बहुत गंदी तस्वीरें लेता, देखा अली? तो मैं कौन सी लगा रहा हूं यार? You'll never learn. मुझे सीखनी नहीं है वरना सारे दिन ये करना पड़ेगा। सही बात कहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं घर पे हूं और मैं घर पे ही रहूंगी, ऐसे कुछ आने मम्मा ने बात बोली। देखा मम्मा फिर दुआ बोली, सरप्राइज आपने खराब किया। दुआ बोल रही थी नहीं, अब मेरा टैंकी साफ हो रही है। मुझे अब रियलाइज हुआ वो इसका नसरीन का आईडिया था बोलने का, टैंकी नसरीन ने सारे आईडिया। मुझे नहीं पता था लास्ट मोमेंट तक, जब तक अम्मा ने नहीं बोला मुझे नहीं पता था। अम्मा ने माना बोल के फिर बताया चावे आते। हां ये हर अम्मा ही करती है। ये भाई बर्थडे गर्ल का सोलो फोटोशूट चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई प्यारी लग रही है ना। गाइस इतनी अटेंशन तो मुझे नहीं मिली जितनी केक को केक को मिल रही है। हेलो गाइस, चलिए जी गाइस, ये हम ना का जो केक है ना, ये अनिया लेके जाएंगे। इधर से जाना पड़ेगा मुझे। नहीं तो कभी फोन कर दो, बुला लो, कर दो फोन। अली चूड़ी ला वहाँ से। नहीं चहीनी के आजा ना, इधर आजा, मेरी में बैठ नहीं। ओ या नॉन वेज में माचिस टाइम टू ओपन प्रेजेंट। नहीं भाई बर्थडे गर्ल आप हैं, आप खोलें। आप पीछे जाओगे फ्रॉम अम्मा। मिला नहीं, कहाँ गया मैं? नहीं कोट है, कोट कोट है। थैंक यू अली, मुझे क्या पता खोलने दो उसको। चलो अब आगे चलो ना। नहीं वो तो पहले देखे आपका तो हो गया प्रेजेंट, अब आपको क्यों जल्दी है? नहीं अम्मा को खाने की जल्दी हो रही है।
Perfume. चलो हम ना गैस कर लो पहले क्या है पहले गैस लग क्या रहा है कुछ नहीं चुप फिर भी क्या लग रहा है भी कुछ बोला है गैस नहीं किया उसको बताया चलो अपने अब कॉपी वाले फेंक दो नहीं चलो मेरा एंड में अब किसका है अच्छा तुम्हारा यार इसने गैस कर लिया ये तो गैस कर लिया होगा ये तो आसान है बीजो ने भी पैसे दिए बीजो ने आपने दिए पैसे आपके पास कहाँ से आए मम्मा ने दिए चलो जी गाइस फिनिशिंग ऑफ विद दिस वेरी यमी चॉकलेट केक और ये जो है फोटो सेश ही नहीं खत्म हो रहा चलें जी गाइस ऑलमोस्ट सब नीचे चले गए हैं मैं और हम लोग यहां पर जो चिलिंग कर रहे हैं बिकॉज़ आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस फोटोग्राफर वाला फोटो शूट हुआ था काफी नहीं था वो अच्छा फोटो शूट हो रहा है चलो मैं भी करती हूँ यहाँ से वीडियो शूट ऐसे मानूर का फोटो शूट हो रहा है भाई बजाय इसके कि आप बर्थडे गर्ल का फोटो शूट करें हम करेंगे गाइस नीचे आ गए हैं और ये जो है कोई बहुत ही इंटेंस किस्म का प्ले टाइम चल रही है उसको चोक क्यों कर रहे हो बेचारे की गर्दन देखो इतना पाला रॉट वायलर नहीं है वो लैब वायलर है शार्क वायलर बहुत ही कोई इंटेंस ये देखिए और ये गाइस बूनी का बेड देखे जरा बूनी का बेड जो है ना बड़ा सक्सेसफुल हो गया रात में मैंने आप लोगों को बताया था इसमें बिल्कुल तंग नहीं किया दांत देखे जरा था अली स्टॉप चोकिंग हिम चोक नहीं कर बोनी जी गाइस आई हैव चेंज्ड इनटू माय हुडी एंड माय पजामा दिस हुडी मैंने जो है दुबई से ली थी फ्रॉम पता नहीं कहाँ से ली थी बट ये सन एंड सैंड्स बहुत सी न्यू एरा की है हाउएवर यू गाइस कॉल इट एंड दिस इज सुपर कम्फी बहुत ही मज़े की है एंड माय पजामा इज बाय एलसी वेकीकी गाइस माय ये इसने चप्पलों की पूरी कलेक्शन लगा दी है माय नाइट सूट दिस इज आल्सो माय नाइट सूट आई लव बाइंग चप्पल सो दिस इज माय चप्पल का बुफे एंड बस इतना टाइम फॉर बूनी वॉक आई कांट गेट ओवर हाउ क्यूट बूनी लुक्स इन दिस न्यू हार्नेस वाला लग रहा है हां किसी ने बोला लिखा होता कि बूनी सर्विस डॉग लग रहा है लग तो रहा है यार कसम से मस्कुलर भी लग रहा है बॉडी शॉट लग रही है थोड़ा सा हालांकि है नहीं बूनी है बूनी ब्रूनो मैं देखती हूँ मुड़ के रुकता है मेरे लिए नहीं आगे लेके जाने की कोशिश करो उसको मैं खुश हो गई थी 2 सेकंड हाँ पिस्सी कर ले फिर देखना लेके जाता है बूनी बूनी क्या बदतमीजी है ये अब जाओ जाओ खींचो जोर से बोलो चलो बुनो गुड बॉय चलो बुनो चलो चले आ जाओ गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया सब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था अपार्ट फ्रॉम माई ड्रेस मिसहैप नथिंग वेंट रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह एंड इट ऑल वेंट सो वेल हम ना इतनी खुश थी सब इतने ज़्यादा खुश थे एवरीवन लव्ड इट एंड
आई एम सो ग्लैड वी पुल्ड इट ऑफ. लाइक आई सेड कि मेरा इतना कुछ ज़्यादा पुल ऑफ करने वाला काम नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल केम टुगेदर रियली रियली वेल. और मैं जो हूँ आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका. नहीं, फॉर सपोर्टिंग मी. इवेंट प्लानर के, केटरिंग के, हर चीज़ के जो है लिंक्स दे दूँगी सो दैट आप लोगों को कोई ढूंढने में मसला ना हो. ये जो है मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इसमें से कुछ स्पॉन्सर्ड था. आई पेड फॉर एवरीथिंग माई सेल्फ इन फुल, बट इसलिए क्योंकि आप लोग पूछते हैं एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू नो अबाउट गुड प्लेसेज, नाइस प्लेसेज. और अगर हमारी वजह से किसी का यू नो कोई, जैसे छोटे स्टोर ओनर्स होते हैं, जैसे मैं लेस वालों के पास जाती हूँ, टेलर्स के पास जाती हूँ, उनका बताती हूँ, कोई भी हो गया, किसी की भी वजह से अगर हमारी वजह से किसी का भी अगर बिजनेस चल जाए, एक आप इट्स अ वेरी गुड फीलिंग नोइंग दैट आप किसी की जो है रोज़ी का बायस बने, तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है. तो नहीं भाई, मुझे आर तिलस उस वक्त इन द मोमेंट में ब्लैंक हो गई. तो मैं अंग्रेजी का लफ्ज़ यूज़ करने वाली थी. जी नहीं, बायस ही बोल रही थी. नाइस टू गेट गुड ग्रेड्स इन उर्दू इन स्कूल. बस उर्दू में ही आते थे. दैट्स अ गुड वन, गुड वन. तो गाइस मैं आपको जो हर चीज का जो है लिंक दे दूंगी और आप लोग जो हैं दमपुख्त और वो जो लैम है ना वो तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा. नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज वी आर बायस्ड एंड अम्मा की दोस्त हैं. ऑनेस्टली हमने भी जो है ना कुछ भी नहीं खाया उसकी जगह. इट वॉज सो गुड, सो गुड. बड़ा सीरियस मुझे लगा वो, मैं अनिया की वजह से ना मुझे लग रहा है उन्होंने थोड़ी मिर्चें कम कर दी. मैं बहुत तेज़ मिर्चें खाता हूँ. इतनी फिट, मुंह सड़ाने वाली, इतनी अली नहीं मिर्चें थी ना लास्ट टाइम. अली आज भी थी हाँ, मुझसे तो आज भी नहीं खाया गई, शनिवारी तो नहीं खाई गई. मैं दमपुख्त और पुलाव खाती हूँ. जो जब उनके घर के गाइस जैसे उनके घर पे जो दावत थी ना, आई फील आउट स्टैंडिंग. मतलब देखें मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, माशाल्लाह जब भी जिंदगी में किसी ने दावत किया बहुत अच्छी दावत हुई है, बट यार इट फेल्ट लाइक द न्यू व्हाट वी वांट टू हैव. और हम गए एंड वहाँ पे लैम्प चॉप्स, लैम्प टिक्का, दमपुख, काबुली पुलाव एंड फिश चिकन उन्होंने रखी नहीं. एग्जैक्टली. एंड देन ऐसे जैसे वो हार्ट टू हार्ट पता था उनको. गुड यार, मतलब ऐसे दिली, मैं कहता हूँ बेस्ट दावत ऑफ माय लाइफ, मजा आ गया. चलें जी गाइस, टाइम टू डू माय स्किन केयर जो कि मैंने बहुत दिनों से नेगलेक्ट की हुई है. और ये मेकअप शेकअप उतार रहा हूँ. मॉइस्चराइजर हमारा ख़त्म हुआ हुआ है तो वो ज़रा नीचे से लेके आते हैं स्टोर से. मैं अकेले नीचे जाने से डर लग रहा है, प्लीज़ कम विद मी. हेलो गाइस, अली इज़ क्लियरली वेरी स्लीपी. और ये देखें गाइस, ब्रूनो का बिस्तर इन एक्शन, ही लव्स इट. ऐसे तो नोटिस किया ब्रूनो सिर्फ अपने बिस्तर पे तब लेटता है जब उसको सर्दी लगती है. अगर पंखा वंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो तो फिर वो फर्श पे लेटता है. बात है यार, हम तो बिस्तर पे ही बैठते हैं चाहे गर्मी हो सर्दी हो, जमीन पे लेटेंगे. हाँ जी गाइस, जरा हम वेयर हाउस में आए हैं एंड ज्यादा हाँ गाइस अभी खुश नहीं हुईगा ज्यादा, ये रीस्टॉक नहीं हुआ है. ये बेसिकली सिर्फ एक प्रोडक्ट का और जो लेफ्ट ओवर्स थे लास्ट रीस्टॉक के वो है. तो ये जरा मॉइस्चराइजर का नया दिखाओ हमारा. गाइस मैं आपको बताया था मॉइस्चराइजर का कलर खराब हो गया था, तो ऊपर जाके दिखाएं. नहीं नहीं अभी दिखाओ, पुरानी ट्यूब बाहर पड़ी हुई है ना, खोलनी पड़ेगी. तो अब हमारा जो है मॉइस्चराइजर का कलर ठीक हो गया है. हाँ ये लग रहा है ना अच्छा, इट मैचेस विद द बॉक्स नाउ, वेरी नाइस. पेस्टल्स लव इट. पहले तो ऐसे पटाखेदार नियॉन पर्पल कर दिया. चलो ये डब्बा रख लो ना. हाँ गाइस, वैसे डब्बों की वजह से कितने मसले हुए हैं. जैसे पता क्या होता है, जैसे ऑर्डर गया, किसी ने ऑर्डर किया, प्रॉब्लम ये होती है कि वापसी पे कोरियर वाले ऐसी उसकी बैंड बजाते हैं कि बॉक्स तो फिसता ही फिसता है, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है. फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है. अब यहाँ ये मेरे पास nice it looks. बताने दो. अब ये बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द प्रोडक्ट. इस डब्बे में हल्का से ये साइड से लेट से डैमेज हो गया. अब यार ये डब्बे के बगैर मैं किसी को कैसे भेजाऊँ. अब बोल रहे हैं नहीं मॉइस्चराइजर. मैंने कहा मतलब ब्रांड इमेज भी कुछ चीज़ होती है. तो फिर गाइज अब हमारे पास तो एक्स्ट्रा आ गए. मोटी बिल्ली चलो ऊपर, अवारा हो गई हो, चलो 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 ऊपर, अपनी आना बाहर, चलो चलो
चलो चले जी गाइस, अपनी पीएम स्किन केयर करते हैं। बहुत अरसा हो गया आप लोगों के साथ स्किन केयर करते हुए, तो सबसे पहले जो है हम लोग एक ऑयल क्लिंजर से अपना मेकअप और सारा वो रेजिड्यू उतारेंगे। लेट्स बिगिन। अब इसको जो है धोएंगे और फिर अपने सेकंड क्लेंस करेंगे। जी गाइस, नाउ टाइम फॉर आवर सेकंड क्लेंस। I normally like to dilute the cleanser with a lot of water and make it very foamy, but क्योंकि अभी सिंक के हैंडल के ऊपर मेरा फ़ोन लगा हुआ है, आई नो कि मैं उसको खोलूँगी तो वो मेरा फ़ोन गिर जाएगा। सो डूइंग इट द अदर वे टुडे। और वैसे भी आज मेरी स्किन पे मेकअप स्किन केयर सब लगा हुआ है, सो इट नीड्स अ गुड वॉश। चलिए जी गाइस, डन विद बोथ आवर क्लेंस। डबल क्लेंस हमारा हो गया है, अब बाकी के अपनी नाइट टाइम रूटीन करने चल के। चलें जी, सबसे पहले जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड। मेरा मुंह जो है ऑलरेडी डैम्प है, तो नो नीड टू यूज़ एनी वाटर स्प्रे। ड्रॉपर जो है आपके मुंह पे टच ना हो। ठीक है जी, हाइलुरोनिक एसिड जब एब्जॉर्ब हो जाएगा देन विल गो इन विद आवर नेक्स्ट सीरम। चलिए जी गाइस, नाउ टाइम टू अप्लाई द नेक्स्ट सीरम। जो सीरम मैं अब लगाने जा रही हूँ दैट इज़ अ सीक्रेट सीरम, जिसका मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज ये सीरम जो है ब्लिसफुल पे लॉन्च होने वाला है। सो मेक योर गेसेस गाइस कि ये क्या है। नहीं कर सकते। हो सकता है कर लें। नहीं कर सकते। हो सकता है कर लें। नहीं कर सकते। पाकिस्तान में पता नहीं बनाता भी है कोई कि नहीं। मैंने अभी तक आई डोंट थिंक कोई ब्रांड देखा है जो बनाता हो, बट नहीं कर सकते गाइस। गाइस ट्राई करें, ट्राई करें, आई बिलीव इन यू। ये हमारा जो है सीक्रेट सीरम हो गया। दूसरा आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू रेटिनॉल। यार ये तुम बताओ। नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं एंड फॉर पीपल हु कांट यूज रेटिनॉल उनके लिए ये बहुत अच्छा है एंड इट्स नॉट बाकुचियोल। सो मेक योर गेसेस गाइस, लेट्स वेट फॉर दिस टू ड्राई एंड देन हम लोग मॉइस्चराइज करते हैं। फाइनली मॉइस्चराइजर, मेरे हेडबैंड से मैच हो रहा है। आई लव द न्यू मॉइस्चराइजर कलर सो मच। यार तुम रुको, मैं उनको पुराना कलर भी दिखाऊं ताकि उनको भी अच्छा कंपैरिजन। सॉरी गाइस, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, लेकिन मतलब पहले दिखाने दें। And we're done with our PM skincare. ये नहीं guys, मिल गया। देखें वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा डिफरेंस, और करीब करो तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। As you can see, तो पटाखेदार नियॉन कलर है और ये थोड़ा पेस्टल है। सो That's glossy and that's mossy. Mossy. अब जिससे लेके आए हो मॉइस्चराइजर वापस कराओ। अब तुम दे दो प्लीज। और बस अब एक्साइटमेंट में लिप ऑयल। ये हमारी जी PM स्किन केयर हो गई है और इसके साथ साथ जो है हम लोग वीडियो का भी आगाज इज एंड राइट, आगाज इज स्टार्ट, इख्तिताम करते हैं वीडियो का भी। एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड द वीडियो। आई नो इस महीने बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेशंस और बहुत रिपेटिटिव टाइप कॉन्टेंट हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आई विल ट्राई टू बी बेटर, बट क्या करें, अक्टूबर है ही ऐसा महीना।
होती हैं बर्थडेज, तो क्या करें। तो आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में नए महीने में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।